राष्ट्रभाषा हिंदी दुनिया की तीसरी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है और हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देश भर में इस दिन हिंदी के उत्थान के लिए अलग अलग कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित होती है जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार और महत्व को लेकर चर्चा होती है। राजधानी शिमला में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से गुरुवार को ऐतिहासिक गेटवे थिएटर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में विभाग की ओर से हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी एक सशक्त भाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी सभी बोलते हैं और सभी इसे समझते भी हैं। देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी बोली जाती है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी भाषा जो है, बोलियां जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह 10-15 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, लेकिन भाषा तो हमारी निश्चित तौर पे यहाँ पे हिंदी भाषा है। हिंदी भाषी ये राज्य है और हिंदी को हम सब समझते हैं। और ठीक है, शशिकांत जी ने कहा और यहाँ पे लंगवाल जी बैठे हैं, मुझे लगता है ये संदेश थोड़ा सा आगे पहुंचाएंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में अदालतों में हिंदी में अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी में काम शुरू हो सकता है तो क्या हिमाचल प्रदेश में संभव नहीं है? और जो ये सही कहा कि जिसका मुकदमा चल रहा है वकील अंग्रेजी बोल रहा है और जज साहब भी अंग्रेजी बोल रहे हैं और जो गांव से गरीब आया है उसको उसी समय पता लगता है कि मैं हारा या जीता। तो इसलिए एक प्रयास जो किया जा सकता हो वो हमें करना चाहिए, लेकिन सही कहा कि थोपने की बात तो कतई भी नहीं है। किसी भी स्तर पे हम कहें कि हम जबरन जो है इसको लागू करेंगे उसके तो हम पक्षधर नहीं हैं। और संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है ये हिंदी राजभाषा है। इसको कोई झुठला नहीं सकता, हिंदी राजभाषा है और इसको राष्ट्रभाषा बनना ही बनना है। आज बने कल बने कुछ लोग विरोध करें, लेकिन राजभाषा से राष्ट्रभाषा भाषा तक का सफर जो है, और जैसे लोमी जी कह रहे थे यहाँ पे हमारे प्रदेश में ही मुख्यमंत्री लोग हुआ करते थे, फिर भी हिंदी की जो स्वीकार्यता है वह हिमाचल प्रदेश में तो बहुत बढ़िया है। और हमारे जो ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि आपने घर के आंगन में आपने ड्राइंग रूम में अंग्रेजी का अखबार रखना है उससे शान बढ़ती होगी, लेकिन हिंदी का अखबार कहीं भी पीछे नहीं है। और अभी यहाँ पे भी जितने अभी सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, मीडिया के जितने भी लोग हैं और उन लोगों की टीआर जिसका जिक्र यहाँ पे आ रहा था कि यार कि उन लोगों की है जो हिंदी में खबरें दे रहे हैं, उनको हर तरफ देखा जाता है। हिंदी को तो देखो अब बांग्लादेश में भी समझा और बोला जाता है, भूटान में भी बोला जाता है और तिब्बत में भी बोला जाता है, अफगानिस्तान पर तक चले जाओ हर तरफ हिंदी समझने और बोलने वाले लोग हैं और 100 करोड़ लोग हैं जो हिंदी समझते बोलते हैं, कोई छोटी संख्या नहीं है। इसलिए हीन भावना का तो सवाल पैदा नहीं होता। मुझे मुझे फक्र है कि मैंने
हिंदी में काम किया और हमने भी बहुत मौके देखे जहां पे अंग्रेजी को अधिमान देने वाले लोग थे,